कभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो मैं राजस्थान में कार्यक्रम में गया अजमेर में, एक कवि मेरे सामने बोला कि जी अरे आप तो प्रेम के कवि हो कुमार विश्वास जी, आप क्या तो कैसे मुख्यमंत्री आ गए जो कह रहे हैं कि रोमियो स्क्वाड लगा दो, प्रेम करने ही मत दो। मैंने कहा देख भाई मुख्यमंत्री हमारा, हम जो चाहे के तेरी औकात कैसे हुई। मैंने माइक से कहा, मैंने कहा देखो हमारे मुख्यमंत्री पर टिप्पणी मत करो भाई, हर नेता का अपना कमिटमेंट होता है। जैसे प्रधानमंत्री का कमिटमेंट था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात अलग है कि कुछ लोग पैक करा के भग गए। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री का कमिटमेंट है ना किए ना करने दूंगा। योमियो स्काइड के बाद लड़के के बाप माँ बाप पूछते थे बेटा किसी कॉलेज के सामने मुर्गा तो नहीं बना हुआ है, जल्दी लौटा। ये हालत हो गई थी भाई लखनऊ में तो हजरतगंज में, आपने आज तक पे देखा होगा, एक पति पत्नी शादी की पांचवी सालगिरह मनाने के लिए गए थे। अच्छा वो आधार कार्ड लेके नहीं ले नहीं गए थे, क्रेडिट कार्ड ले गए थे, तो पुलिस वालों ने उन्हें प्रेमी प्रेमिका समझ लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया कि तुम दोनों बेचारों ने बहुत कहा जी हम तो पति पत्नी है पर हरकतों से प्रेमी प्रेमिका लग रहे थे। तो मेरे पास चैनल वाले आए बोले जी देखो अत्याचार हो रहा है, बताइए पति पत्नी पकड़ के बंद कर दिए, पांचवी शादी की सालगिरह मनाने जा रहे थे, आपको क्या कहना है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं उन दोनों पति पत्नी के पैर छूना चाहता हूं जो शादी के 5 साल बाद भी प्रेमी प्रेमिका लग पा रहे हैं। मैंने ये तो महान काम हुआ है। सुनिए के दीप ऐसे के दीप ऐसे, जब ये चुनाव लड़ते हैं नेता, भाजपा के नेताओं ने चुनाव लड़ा तो बोले कि भाइयों और बहनों जब हम आएंगे तो घर घर विकास पैदा होगा। 5 महीने बाद ही साक्षी महाराज बोले कि 5 बच्चे पैदा कर। मैंने कहा विकास कहाँ है, बोले इन्हीं में से कोई सा हो जाएगा। मैंने कहा ये भी बता दो कि पहले नंबर पे विकास हो जाए तो बाकी 4 करने हैं कि नहीं करने हैं। प्रधानमंत्री नाराज हो गए ऐसी बयानबाजी से, प्रधानमंत्री जी ने बुला के उनको डांटा कि फालतू बयानबाजी बंद करिए आप, एजेंडा दूसरा आप दूसरा चला रहे हैं। तो उन्होंने पत्रकार वार्ता करके फिर कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं 10 दिन बाद। मैंने कहा लोगों ने प्रोजेक्ट हाथ में ले लिया था। अच्छा कितने बच्चे होने चाहिए ये वो बता रहे हैं जिन्होंने खुद ने बयान ही करा।